यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा realme 7 Pro के realme UI 2.0 अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों realme 7 Pro के लिए realme UI 2.0 का जो अल्फा स्क्वाड है वो फाइनली अनाउंस हो चुका है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप realme 7 Pro यूज करते हो तो इस वीडियो का पूरा देखो। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये अल्फा स्क्वाड क्या है। तो देखो मैं एकदम आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जिन जिन यूजर्स को अल्फा स्क्वाड में सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें भैया सबसे पहले realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब जहां तक बात है कितने यूजर्स को मिलेगा और पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो अल्फा स्क्वाड का फॉर्म है ना, ये रिलीज हुआ था कल रात 8 बजे, और उस फॉर्म मतलब उस पोस्ट में भैया साफ साफ लिखा था कि इस फॉर्म का जो डेडलाइन है वो भैया है 22 नवंबर तक। तो इसका मतलब कल रात 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में जिन जिन यूजर्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया था उन्हें भैया एलिजिबल यूजर्स माना जाएगा। अब जहां तक बात है भैया एलिजिबल यूजर्स में से कितनों को मिलेगा और कितने को नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं सभी एलिजिबल यूजर्स में से 50 रैंडम यूजर्स को Realme UI 2.0 का जो अल्फा अपडेट है वो भैया देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि जिसने सबसे पहले फॉर्म किया उसको मिलेगा, जिसने बाद में फॉर्म को फिलअप किया उसको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल रात 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जितनों ने भी फॉर्म को फिलअप किया है ना, उनमें से भैया 50 रैंडम यूजर्स को Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो अपडेट है ना, ये बेसिकली एक अल्फा अपडेट है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे। तो डे टू डे यूजर्स के लिए ये जो अपडेट है ये बिल्कुल भी सही अपडेट नहीं है। तो अगर आप अपने Realme 7 Pro को एज अ नॉर्मल फोन यूज करते हो, एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करते हो, तो यह अल्फा अपडेट को तो बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, ठीक है। और जहां तक बात है जो अर्ली एक्सेस अपडेट है वो हमें कब देखने को मिलेगा Realme 7 Pro के अंदर, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल दोस्तों जो मंथ है ना वो एंड नहीं हुआ है, तो वेट करो 30 नवंबर से पहले जो अर्ली एक्सेस अपडेट है वो हमें Realme 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही फॉर्म निकल के आएगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर से बनाऊंगा, उसके बाद में आप अपने फोन के सेटिंग में फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके ट्रायल वर्जन के जरिए फॉर्म को सबमिट कर देना, उसके बाद में आपको Realme UI 2.0 का जो अर्ली एक्सेस अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो बस न्यूज़ यही है कि अल्फा अपडेट किसी काम का नहीं है, उससे बस दूर रहो, जो अर्ली एक्सेस अपडेट है वो आने दो, उसके बाद में ओपन बीटा अपडेट भी आएगा, तो उन अपडेट्स को आप अपने Realme 7 Pro के अंदर इंस्टॉल करना, वो काफ़ी मतलब उसमें भी बग्स होंगे लेकिन अल्फा अपडेट जितना बग्स आपको नहीं मिलेगा बीटा मतलब अर्ली एक्सेस में और ओपन बीटा में, ठीक है। तो अर्ली एक्सेस अपडेट को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, ओपन बीटा अपडेट को भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आगे आने वाले टाइम में मतलब आ जाएगा और उस टाइम में आपको बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो अल्फा अपडेट है वो 50 रैंडम यूजर्स के लिए बहुत ही जल्दी रोल आउट कर दिया जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे हमेशा स्मार्ट रहिए।